सब्सक्राइब करें बस स्टडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्टडी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले क्या काम करेगा मैं बता दूं आपको। अगर सपोज आपके सिस्टम में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिंगल टाइम ही रन हो सकता है और आप चाहते हैं कि आप उसको दो बार रन करें दो अलग अलग तरीके से, तब भी आप उस टूल का यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है और आपको डाउनलोड भी करनी है चीज, तो आप उस टूल की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी वायरस भी अगर गलती से बाय चांस डाउनलोड हो जाता है तो आपके सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, अगर सपोज आपके सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है जिसको रन करने से पहले आपको ये सोचना पड़ रहा है कहीं कोई वायरस रन ना हो जाए या फिर आपके सिस्टम पर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो जाए, तब भी आप उस टूल का यूज कर सकते हैं जिससे आपके सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस टूल के थ्रू आप एप्लीकेशन का यूज इजीली कर सकते हैं। तो क्या है उस टूल का नाम? उस टूल का नाम है सैंडबॉक्सी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना है सिर्फ गूगल पर और यहां पर लिखना है सैंडबॉक्सी डाउनलोड, ठीक है। ये लिखना है, ये लिखते ही आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सैंडबॉक्सी की जो इस ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सैंडबॉक्सी के बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। सैंडबॉक्सी आप सिर्फ गूगल पे टाइप करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो विकिपीडिया पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है। सैंडबॉक्सी इज एन ओपन सोर्स सैंडबॉक्सी प्रोग्राम फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विच क्रिएट्स एन आइसोलेट ऑपरेटिंग एनवायरमेंट इन विच एप्लीकेशन कैन बी रन और इंस्टॉल्ड विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग द लोकल सिस्टम। यानी कि ये टूल एक ऐसा आइसोलेशन आपके सिस्टम में क्रिएट कर देता है जो कि आपके ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं करता। ये मोस्टली यूज किया जाता है टेस्टिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर की, या फिर आपको कोई अनट्रस्टेड प्रोग्राम आप टेस्ट कर रहे हैं या फिर वेब से डाउनलोड कर रहे हैं, उस टाइम इसका यूज बहुत किया जाता है। तो इस टूल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और यही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बात कर रहे थे हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप sandboxy.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सैंडबॉक्सी विंडोज 7, 8.1, 10 ओनली, ठीक है, एक्सपी के लिए नहीं है, इज अवेलेबल हेयर। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप 32-bit या फिर 64-bit के लिए आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 64-bit के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, 32-bit के लिए करना है तो यहाँ पे कर देंगे। 64-bit जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे डाउनलोड होके आ गया है। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, मात्र 3 MB का टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टूल डाउनलोड हो गया और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा इस टूल को डाउनलोड करते टाइम, लाइक नेम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, आप उसको एंटर करेंगे देन उसके बाद ही ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं लेगा, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। तो जो भी है आप होम पर्पस वगैरह आप वहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक आइकन आ जाएगा सैंडबॉक्स्ड वेब ब्राउजर। तो ये तो एक वेब ब्राउजर है जहां पर ये आपकी मदद करेगा। ये वेब ब्राउजर सपोज आपको सर्फिंग करनी है और आप कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आप इस वेब ब्राउजर के थ्रू डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज डाउनलोड होगी सैंडबॉक्स के आइसोलेशन में वो चीज पास होके निकलेगी और वहां पर जो भी वायरसेस वगैरह हैं वो ठहर जाएंगे, वो आपके ओरिजिनल सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सपोज किसी एप्लीकेशन को आपको 2 times रन करना हो। सपोज जैसे मेरे सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। सपोज मैं इसको रन करता हूँ, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, यस किया, इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद ये एप्लीकेशन मेरी रन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मेरी रन हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अब सपोज मुझे एक और विंडो अगर इसी एप्लीकेशन की रन करनी है तो वो इस एप्लीकेशन की रन नहीं होती। मैंने यस करा और यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है, यानी कि पहले ही लॉन्च हो चुका है तो वापस से लॉन्च नहीं होगा। लेकिन आप इस टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को 2 times इस सिस्टम में रन कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्लीकेशन लिया। सपोज आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर आपको दो वेराइटी पर, दो वेरिएबल पर वर्क करना है, तो आप इसके लिए यहाँ पे सैंडबॉक्सी का यूज ले सकते हैं दोनों तरीके से, एक सैंडबॉक्सी से ओपन करके, एक विदाउट सैंडबॉक्सी से ओपन करके। कैसे? सपोज मिनी टूल को मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रन सैंडबॉक्स्ड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई
डिफॉल्ट बॉक्स पे क्लिक रहने देंगे हम, देन ओके कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एप्लीकेशन है वो अब सैंडबॉक्सी के अंदर यहां पर ओपन हुई है इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस पर जब आप इसके टाइटल बार पर ले जाएंगे तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ येलो मार्क्स आ रहा है, दैट मीन कि सैंडबॉक्सी के अंदर ये एप्लीकेशन ओपन हुई है। अब मैंने ये एप्लीकेशन एक बार राइट क्लिक करके सैंडबॉक्सी के अंदर ओपन कर ली, अब दूसरी बार मैं इस पर डायरेक्ट राइट क्लिक करूंगा और यस करूंगा, तो यहां पर दूसरी बार भी मेरे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं दो विंडो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, दो विंडो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। ओरिजिनली मैं दोनों विंडो एक साथ ओपन नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हमें यूज लेना होता है दो बार एप्लीकेशन ओपन करके, तो उस केस में हम यहाँ पे सैंडबॉक्सी का यूज ले सकते हैं, दो एक साथ एक प्रोग्राम को हम दो बार एक साथ रन कर सकते हैं, यहाँ पर ये एप्लीकेशन काफी काम आ जाती है। अब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे, सपोज आपको ब्राउजिंग करते टाइम कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं या फिर विजिट कर रहे हैं, वहां से कहीं वायरस डाउनलोड ना हो जाए, तो आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं सैंडबॉक्स्ड वेब ब्राउजर है यहाँ पर आपका। जैसे मैं टाइटल बार पर गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर येलो कलर की शील्ड आ रही है, दैट मीन की इनसाइड द सैंडबॉक्स आप इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं और ये टोटली सेफ है, इससे आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएगा, क्योंकि एक आइसोलेशन स्पेस के अंदर आपकी ये एप्लीकेशन रन हो रही है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है, वायरस से बचाती है, दो प्रोग्राम एक साथ रन करती है, किसी सॉफ्टवेयर को आपको टेस्ट करना हो जिससे कि आपके सिस्टम पर इफेक्ट ना पड़े तब आपकी ये काम आती है। तो इसी तरीके से अगर सपोज आपको कोई सॉफ्टवेयर भी रन करना हो तो राइट क्लिक करके आप जस्ट रन सैंडबॉक्स कर देंगे तो वो सैंडबॉक्स के अंदर रन हो जाएगा। तो गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से कोई एप्लीकेशन दो बार वायरस से बच सकते हैं, यानी कि एक आइसोलेटेड चैम्बर में आप कोई एप्लीकेशन कैसे रन कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन फ्यूचर या फिर कभी ना कभी या फिर अभी जरूर हेल्पफुल होगी और आपके काम आएगी, और आगे भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में आप मेरा साथ देंगे। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, एक पोस्ट पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।